एवरीवन, वेलकम टू शिवांगी मिश्रा शुक्ला व्लॉग्स। तो इट्स द नेक्स्ट मॉर्निंग और आज इतना खाली खाली लग रहा है क्योंकि आज कुछ करने को है ही नहीं। ऐसा होता था कि जल्दी उठना है, पूजा करना है, पाठ करना है, देन रील के लिए मेकअप करना है, फिर रील बनानी है, फिर अनरेडी होना है, फिर से पाठ करना है, फिर खाना करना है, अ लॉट टू डू। बट अब आई एम फीलिंग ऑल फ्री एंड दैट फ्रीनेस इज लाइक एम्प्टीनेस। ऐसा लग रहा है माता रानी गई हुई है और बाहर खूब तेज ढोल बज रहा है, गॉड नोज़ व्हाई। आज इतना ढोल ढोल क्यों बज रहा है? गुड मॉर्निंग। अच्छा अच्छा। और राधा दीदी बेचारी अकेले सब कुछ मैनेज कर रही हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे जो दो धुरंधर थे वो जा चुके हैं अपने गाँव और अभी वी आर ऑल बाय आर ओन सेल्स। तो क्या, हाँ मैं तुरंत खा भी लेती हूँ। हाँ हाँ, मैं सर्व कर लेती हूँ, आप बस पराठे दे दो, पराठे यही है। एंड आई विल हैव चने विद सैलेड एंड पराठास एंड रायता। सो जा रही हूँ इसको मैं ब्रेकफास्ट में खाने, और लंच की प्रिपरेशन के लिए मैं कुछ कुछ चीज़ें बता दूँ दीदी, वो करके आप रख दो तब मैं बना दूँगी। गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी, हाँ। वो ग्रीन वाली, हाँ वो। सबसे पहले ग्रीन कॉलीफ्लावर बनाने, कॉलीफ्लावर को क्या कहते हैं, गोभी, हाँ गोभी को बनाने के लिए हम थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल पोर कर देंगे, यानी कि सरसों का तेल। और मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद सबसे पहले हम फेनुग्रीक यानी कि मेथी के दाने। नाउ वी विल पोर अनियन, ये इसमें धनिया हमने पेस्ट बनाया था, इस वजह से ये ऐसा दिख रहा है, अदरवाइज दिस इज अनियन। और ये अभी हमने सिर्फ और सिर्फ फेनुग्रीक सीड्स के बाद यानी कि मेथी के दाने के बाद हमने ये सिर्फ और सिर्फ प्याज डाला है, और अब हम इसके बाद डालेंगे ये जो कि है धनिया लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इसको पेस्ट को हम पोर कर देते हैं कढ़ाई में, और ये सारा पेस्ट डालने के बाद इसमें टमाटर का भी पेस्ट था, हम इसमें डाल देंगे चॉप्ड पोटैटोस। अब इसमें एक चम्मच हम हल्दी पाउडर यानी कि टर्मरिक पाउडर डाल देंगे, और उसके बाद पिसा धनिया, कोरिएंडर पाउडर। एक बार हम इसको अच्छे से स्टिर कर लेंगे, और ये हमने तभी ऐड किया जब थोड़ा सा ऑयल ऊज होना शुरू हो गया था साइड वाइज, यानी कि थोड़ा थोड़ा तेल इस पेस्ट में छोड़ना शुरू कर दिया था। अब हम इसमें पिंच ऑफ रेड चिली पाउडर एंड स्पेसिफिकली दिस इज़ कश्मीरी रेड चिली पाउडर, तो हम थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च इसमें डाल देंगे आप, और एक बार फिर से स्टिर कर लेंगे। सुंदर खुशबू आ रही है। एंड द नेक्स्ट थिंग वी विल डू इज ये बॉइल्ड कॉलीफ्लावर यानी कि बॉइल्ड गोभी जो अच्छे से चॉप्ड है, इसको हम मिक्स कर देंगे पेस्ट में, और थोड़ा सा इसमें पानी भी मैंने ऐड कर दिया था क्योंकि मसाला नीचे पकड़ने लग गया था, दैट मीन्स मसाला हो गया है। और अब एट द एंड हम पोर कर देंगे वाटर, क्योंकि ना तो हमें सॉगी चाहिए ना बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली चाहिए, हमें इन बिटवीन कंसिस्टेंसी चाहिए, तो ये हमने पानी पोर कर दिया है। नाउ वी विल स्प्रिंकल द सॉल्ट अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट, और एक बार इसको हम फिर से स्टिर कर देंगे, और इसको हम बॉईल के लिए कुछ 5-10 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे लेड लगाने के बाद। चल पापा, आप क्या कर रहे हो? ये मैं बादाम शेक की पाउडर बनाऊंगा। अच्छा अच्छा, इसमें क्या क्या है? बादाम है, काजू है? इसमें बादाम है, काजू है, इलायची है, मिल्क पाउडर है, केसर है। वाव, हियर इज द पाउडर, और स्पून लेके आओ, एंड योर शेक इज रेडी। और इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही, मतलब मुझे यहाँ पे 3+ ईयर्स हो गए, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि आई हैड बीन इन यूपी एंड हैड बीन इन दिल्ली इटसेल्फ, दोनों जगह ह्यूमिडिटी इतनी गंदी थी और मैं बहुत ज़्यादा ऐसे यू नो श्रक करती थी कि अब मैं फाइनली ऐसी जगह हूँ जहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं है, गर्मी नहीं है, तो ये जिंक्स हो गया मेरे साथ बहुत बड़ा। भगवान ने बोला कि बिना ह्यूमिडिटी के तुम नहीं रह सकती, और इस साल बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी इतनी नहीं हो रही है, बट हाँ गर्मी एक्सट्रीम पड़ रही है, पता नहीं क्या हो गया, मैंने ही बार बार बोल बोल के नज़र लगा दिया। नाउ फाइनली आई एम एट गुड प्लेस। तो ये मैं नहा के रेडी हो गई हूँ, और अब मैं जा रही हूँ नीचे फटाफट खाना खाने, बहुत तेज़ भूख लग रही है, प्लस मुझे ट्राई भी करना है कि मैंने कैसा बनाया है। सो यस, अब फटाफट नीचे चलते हैं और खाना खाते हैं। इन्हें कौन
सा बेबी है जो इतना इतना शाउट शाउट हो रहा है? कौन सा बेबी है? हाँ, कौन सा बेबी है? इसको दिन भर खेलने को चाहिए, दिन भर, मतलब जो इसके पीछे लगे उसको तो थकना 200% है ही है। पापा ने खाने खा लिया? ठीक है। तुमने खाया? नहीं खाया। अच्छा, एक सेकंड। पापा, सब्जी कैसी है? अभी नहीं खाया बेटा। अयो, बस खा के देखो। अच्छा है टेस्ट। मैं, पापा और उमंग जा रहे हैं आज डिनर के लिए कॉफी हाउस के पास में। इट्स वेरी फेमस एंड इट्स अ प्लेस वेयर यू विल गेट ऑथेंटिक साउथ इंडियन क्विज़िन। सो यस, और ये हमारा बच्चा कुछ देर के लिए बस यहाँ पे रहेगा। सारी इसकी व्यवस्था करके चल रहे हैं सब। सो यस, देखो जहाँ बैठता है वहाँ फैन ऑन रहता है इसके लिए। और ये नवाब ज़्यादा हमारा प्यारा सा अपने प्लेसेस चेंज करता रहता है। एंड हियर इज द इंडियन कॉफी हाउस। बचपन में खूब आते थे? बचपन में यही आते थे। हम लोग भी बहुत आए शादी के बाद। पापा अपने साथ आ चुके ना? मम्मी के साथ तो आए हैं। यहाँ का खाना इज ऑसम, मैं बार बार बोल रही हूँ। मतलब इनका जो क्विज़िन है साउथ इंडियन का, उसके अलावा भी ऑर्डर एनी थिंग एंड दैट विल बी टेस्टी फॉर श्योर। ये मैक्सिमम चीज़ तो मैं ट्राई कर चुकी हूँ यहाँ की। एंड दीज आर द आइटम वी हैव ऑर्डर्ड एंड आई एम लिटरली ड्रूलिंग ओवर इट। जस्ट ₹488 हम तीनों लोगों ने पेट भर खाना खाया। लाइक एक मसाला डोसा था, दो मसाले डोसे थे, पनीर डोसा था, वड़ा, सांभर वड़ा था एंड ऑल दैट। और लिटरली व्हेन आई एम सेइंग कि 488 रुपीज़ में खाए ना, क्वालिटी और हाइजीन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। अदरवाइज आई एम द पर्सन, मैं तुरंत एकदम हेजिटेट हो जाती हूँ कि नहीं भाई, नहीं खा सकती। ऑसम, दिस प्लेस हैज़ ऑल माई हार्ट। यहाँ लग के ही आपको आइसक्रीम खाने को मिल जाएगी, जहाँ हम लोग अब जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। लग के ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। हियर इज़ द आइसक्रीम पार्लर एंड देयर इज़ इंडियन कॉफ़ी हाउस। सो हियर वी गो। दो आइसक्रीम ली, एक चॉकलेट कोन और एक मैंगो वाली। लेनी है कि पूरी लेनी है? आप बताओ, सजेस्ट करो। मैं तो बोल रहा हूँ कि दो दिन की पूरी वाली ले लो एक बार। ठीक है, ठीक है। उसके साथ फॉलो अप भी ले लो। ठीक है, मैं बोल रहा कि और ये अलग अलग पैक कर दो आप। पहले दो दिन की वो खा लो। ठीक है, फिर फॉलो अप वाली। ओके, ये बात हो रही है मेरे गले के प्रिस्क्रिप्शन गले के जो मेडिकेशन। थोड़ा कम बोलेंगे तो अपने आप सही हो जाएंगे। क्या है उसके लिए, वो देखो टॉन्ट आ गया मेरे लिए। सो गाइस, वी आर बैक एंड आई हैव चेंज्ड माय क्लॉथ्स एज वेल। और बहुत मज़ा आया आज के डिनर में हमें। हमारा क्यूट लिटिल फैमिली मोमेंट था विच वॉज प्राइसलेस। और लौटते वक्त हमने आइसक्रीम जम के खाई। उमंग ने नहीं खाई, मैंने और पापा ने खाई। सो यस, आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज एज मच एज यू कैन। एंड दैट वे यू आर गोइंग टू हेल्प मी टू ग्रो। टिल देन, गुड नाइट, बाय।